जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक है, अगले 48 घंटे आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, आपकी और उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा, आपका क्या एक्शन होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। और रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी पाइल नहीं चूज करना है। आप सब लोगों ने हमें अभी से इतनी सारी विशेष दे दी, इतना सारा प्यार दे दिया, इतना सारा अपनापन दे दिया, इतना सारा सपोर्ट कर दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू सो मच। बस हाँ, अपना इतना ही सारा प्यार, इतना ही सारा आशीर्वाद हमें 29 तारीख को भी दे देना, ठीक है? हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा कि हमारे लिए इतनी सारी पवित्र आत्माओं ने प्रार्थना की है, हमारे लिए इतनी सारी पवित्र आत्माओं ने अपनी ब्लेसिंग भेजी है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, हम आपकी भी एनर्जी देख पा रहे हैं और आपके पर्सन की भी एनर्जी देख पा रहे हैं, लेकिन पता है यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर। जी हाँ, आपके अंदर आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए। जैसे कि आप किसी को गलत समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही गलत समझ रहे हैं, तो वो मत समझिए। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ बिजी है, पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत सारा आप उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए। और देखिए, जो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं ना, उनके लिए स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएँ, स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएँ। डियर, मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है, समझ रहे हैं? अगले 48 घंटों में हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 20% मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को प्रपोज कर देंगे, क्योंकि पता है यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड आया हुआ है। ये सच्चा प्यार महसूस कर रहा है आपके लिए। इसे एक तो सेल्फ लव करना आपने सिखाया है, ज़िंदगी जीना आपने सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें यह आपके बारे में सोच रहा है कि आपने इसे कितना कुछ दिया है, इसे कितना कुछ सिखाया है, प्यार का मतलब बताया है। तो डियर, मस्कुलाइन की तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। और देखिए, यहाँ पर एंजल्स ने उसकी हीलिंग भी की है, समझ रहे हैं? एंजल्स ने उसे हील भी किया है और चारों तरफ से उसे ब्लेसिंग मिल रही है, एंजल्स की भर भर के ब्लेसिंग मिल रही है, जिससे उसके जो भी ब्लॉकेजेस थे, उसकी जो भी एनर्जी इम्बैलेंस थी, वो सब कुछ बैलेंस हो रही है, उसकी आत्मा का विस्तार हो रहा है ना। वो जो लो एनर्जी में रहता था, अब वो हाई एनर्जी में है, समझ रहे हैं? मतलब कि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है इस टाइम पर मस्कुलाइन की, बहुत ज़्यादा। अपने सोल पर्पस को समझ रहा है, अपनी जर्नी को समझ रहा है, वो कौन है, क्या है, उस बात को भी समझने लगा है, आपके प्यार को समझ रहा है। और बहुत जल्द, पता है यहाँ पर द सन कार्ड है, 10 of cups है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, द लवर कार्ड है, क्या बताएं, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा है मस्कुलाइन की आपके लिए। यू समझ लीजिए कि मस्कुलाइन बहुत जल्द आपको मैरिज प्रपोजल देने वाला है, समझ लीजिए आप। क्योंकि अभी तक उसके अंदर जो भी इमेच्योरिटी थी ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, मैच्योर हो चुका है, चीज़ों को समझने लगा है, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। और पता है, इसमें एंजल्स उसकी मदद करेंगे। आपकी भी एनर्जी दिख रही है हमें, हम बाद में बताएंगे, आप जो सोच रहे हैं ना, जो चल रहा है ना आपके दिमाग में, हम बाद में बताएंगे आपको, तो पहले हम इसकी एनर्जी बता देते हैं। ये बहुत पॉजिटिव है और प्लीज़ आप भी पॉजिटिव हो जाओ, हमें आपकी एनर्जी थोड़ी कम ठीक लग रही है। हमें पता है, हमें पता है आप लोग सेपरेट हैं, हमें पता है सेपरेट हैं, लेकिन उसके लिए, क्योंकि उससे बात नहीं हो रही है, अब जब बात नहीं होती ना,
तो इंसान का मन है वो कुछ भी सोच सकता है। इसी तरह बात तो हो नहीं रही है, अब आपका मन है आप कुछ भी सोच सकते हैं, तो कुछ भी मत सोचिए। बहुत पॉजिटिव है इधर सब कुछ, बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनका पास्ट में किसी से अफेयर था, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो फिर से अपनी एक्स के साथ या फिर अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया। बिल्कुल भी नहीं, अपनी एक्स से, अपने एक्स से उसे बहुत डर लगता है। वो उस ज़िंदगी में दोबारा कदम नहीं रखना चाहता, वो उसके साथ दोबारा कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अभी पता है, अभी आपके पर्सन को कोई सक्सेस मिली है किसी चीज़ में। एक तो देखिए बहुत ज़्यादा ये अपने करियर पर फोकस कर रहा था ना, अभी इसे हाल फिलहाल किसी चीज़ में सक्सेस मिली है तो उसका सेलिब्रेशन कर रहा है ये। पता है जब भी इसके साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो इसका मन होता है कि वो अपनी खुशी ये आपके साथ बांटे। लेकिन आप आजकल थोड़े नाराज से चल रहे हैं, ये नाराज़गी ख़त्म कर दीजिए। अब हम आपकी एनर्जी की बात करते हैं। आप किसी ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जिसका आपको पता नहीं है। आप अच्छे से समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। उसकी एनर्जी जाननी थी ना आपको, बता दी है हमने। अब आपकी एनर्जी हम बताएंगे कि क्या है। कोई ऐसा रास्ता है, कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप पूरी तरीके से अनजान हैं, लेकिन फिर भी आप चलना चाहते हैं, इस अनोन रास्ते पे चलना चाहते हैं आप। जैसे कि गुस्सा है आपके अंदर, या फिर अब आपके अंदर बहुत हिम्मत आ गई है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये क्या है हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ था कि प्यार के चक्कर में आपने अपने करियर को दांव पे लगा दिया था, बहुत सारे लोगों ने। तो फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अकल ठिकाने लग गई है और वो अभी अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। जो अटैचमेंट था आपका, जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने से रोक रहा था, आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकने वाले हैं इन 48 घंटों में। आप ये अटैचमेंट ही ख़त्म करने वाले हैं कि कैसे भी करके मैं इसी को सब कुछ ख़त्म कर दूँ। हो सकता है कि उसकी कुछ यादें हों आपके पास और आप सोच रहे हैं कि मुझे सारी चीज़ें फेंक देनी है, मुझे अब वो कोई चीज़ नहीं रखनी अपने पास जो उसकी याद दिलाती हो। आप कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, बताइए, सोच रहे हैं ना। तो आपको लग रहा है कि बहुत हो गया प्यार, अब करियर पर फोकस करेंगे, अब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप, और बहुत सारे लोग तो हार्ड वर्क कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, पर आप अपने एक्स का ही इंतज़ार कर रहे हैं। या आपका सोलमेट हो, आपका मस्कुलाइन हो, जो भी हो, तो टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा है ना कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, उसकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं वो आपको भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गया है, तो नहीं। आप पॉजिटिव रहिए, उसकी हीलिंग हो रही है। वो बात नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप कुछ भी सोच लो। और वो अपनी किसी एक्स के साथ कनेक्शन में नहीं है, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है फ़िलहाल में, ठीक है। इस टाइम पर उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, और स्पेशली वो आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर बैठा है कि आपने उसे पता नहीं क्या दे दिया, आपने उसे कितना कुछ सिखा दिया है, आपने उसे सच्चे प्यार का मतलब सिखा दिया है। बस वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है, ये समझ लीजिए। अभी वो अपने करियर पर थोड़ा सा और फोकस करेगा, लेकिन यूँ समझिए कि बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट भी देगा। द लवर्स कार्ड आया हुआ है। हम कहते हैं हमेशा जो आपका है ना उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर कर दे, लेकिन दिलों से, एक दूसरे के दिल से आप दोनों कभी दूर नहीं होते। और यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड, आप लोग सब जानते होंगे, एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल्स ने मिलाया है, एंजल्स फिर से आप दोनों को एक करेंगे। पता है आप लोगों को अलग क्यों किया था एंजल्स ने, यहाँ पर हम रीज़न भी बताते हैं। देखिए जब आप दोनों मिल गए तो आप दोनों अपना इनर वर्क करना भूल गए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने अपने करियर पर फोकस करना बंद कर दिया, अपनी लाइफ के बारे में सोचना बंद कर दिया, दिन रात बस अपने पार्टनर के ख्वाब देखने लगे आप,
ना इनर वर्क कर रहे हैं ना करियर पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से एंजल्स ने ये देखा कि अगर दोनों का ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग क्या प्यार खाएंगे, प्यार खाकर जिएंगे, लेकिन ज़िंदगी में कुछ करना भी तो है। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, उनके लिए भी तो कुछ करना है। प्यार तो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन अपने करियर में सक्सेस भी तो हासिल करनी है, कुछ करके भी तो दिखाना है, फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। इस वजह से आपका फोकस अपने करियर की तरफ से हट चुका था, मस्कुलाइन पर, आपके पर्सन पर ज़्यादा हो चुका था। इस वजह से एंजल्स ने आप दोनों को अलग किया कि अब आप दोनों पहले तो स्ट्रॉन्ग हो जाओ, उसके बाद दोनों अपने अपने करियर पर फोकस करो, दोनों अपने अपने इनर वर्क पर ध्यान दो। अगर ये आपसे बात करता रहता कंटिन्यू, तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करते? नहीं करते ना। क्या आप इतना ज़्यादा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते? नहीं करते ना, नहीं करते, क्योंकि वो आपसे बात कर ही रहा था, लेकिन वो दूर हुआ, आपने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, आपकी भी हीलिंग हो रही है और इसकी भी हीलिंग हो रही है। अभी आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अभी आप दोनों सेल्फ लव कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग हो रही है और बहुत जल्द होने वाली है। कैसे होने वाली है? देखिए, एक तो बहुत जल्द आपका मस्कुलाइन आने वाला है। इतने लोगों के मस्कुलाइन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट में बताइए हमें, क्योंकि पर्सनली हम जिनकी रीडिंग करते हैं ना, पर्सनल रीडिंग हमने अब तक जितने भी ट्विन सोल वालों की है, वो सभी फेमिनाइंस के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यू कि दी वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो बात करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों के मस्कुलाइन ऐसे हैं जो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, ना कि नेगेटिव तरीके से। लेकिन जो फेमिनाइंस रो रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, इधर उधर नेगेटिव कमेंट्स कर रही हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता भाई, उनका कुछ नहीं हो सकता। हमने कितनी बार कहा है कि कमेंट में नेगेटिविटी मत फैलाया करिए, हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप जो लिख देते हैं ना कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब वो ये कर रहा है, अब वो कर रहा है, आपको पता है वो हमेशा के लिए लिखा रह गया। और आपने जो लिखा है ना, उसमें भी एनर्जी है, वो भी वाइब्रेट कर रहा है। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप जो बार 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 लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना आप बार बार, ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ हमारे ही वीडियो पे ऐसा लिख कर जाते हैं नेगेटिव कमेंट कि दी उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बाबू, आपने पता नहीं कितनों के वीडियो में जाकर ये कमेंट किया होगा, और आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अगर कुछ अच्छा होना होगा भी ना, तो वो भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं ना, अब कोई चीज़ है, आप उसको बार 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 कर रहे हैं, तो क्या वो एक्टिवेट नहीं होगी? बताइए। कुछ फेमिनाइंस ऐसी भी हैं जो इनर वर्क नहीं करना चाहती, उनको लगता है कि इधर उधर रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मस्कुलाइन का आपसे जो रिश्ता है ना, वो आत्मा का है, शरीर का नहीं है। अगर उसे अट्रैक्ट करना है, उसे फिर से पाना है अपनी ज़िंदगी में, उसके साथ ज़िंदगी जीना है, तो पहले खुद को बैलेंस कर लो, पहले अपने अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन को बैलेंस कर लो, तब बाहर का मस्कुलाइन बैलेंस हो जाएगा। तब पहले खुद की हीलिंग कर लो, तब उसकी भी हीलिंग हो जाएगी। जैसा आप कर रहे हो, उसका पूरा असर उस पर पड़ रहा है। अब आप ये सोच लो खुद ही कि आपको क्या करना है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, नहीं है तब भी लिखो, नेगेटिव चीज़ें मत सुनो, नेगेटिव चीज़ें मत लिखो, नेगेटिव चीज़ें मत देखो, नेगेटिव सॉन्ग मत सुनो, मत सुनो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, दुख की बात ही मत करो, सुख की बात करो। जब उसकी बात करोगे तो वही अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव लिखो, जहाँ पर भी लिखो, भले ही पॉजिटिव नहीं है तब भी लिखो। अब आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि और बताओ कैसे हो, बस जिंदा हैं, ठीक हैं। कितने लोगों से आप दिन भर ऐसे बोलते हो? क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे चैट करते होंगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे बात करते हो ना, तो लोग पूछते हैं नॉर्मली कैसे हो, ठीक है, नेगेटिविटी से, ठीक है, लो एनर्जी में, ठीक है। फिर ज़िंदगी भी वैसी ही हो जाएगी कि ठीक ही रहो, बस ठीक ही रहोगे, खुश नहीं रहोगे कभी। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है,
पता है हम कभी नहीं कहते कि ठीक है, हम हमेशा बोलते बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं। किसी से भी हमने आज तक नहीं बोला होगा कि ठीक है। क्यों? अगर हम उससे दुख बता देंगे, अगर हम उसके सामने रो देंगे तो कर लेगा वो, क्या करेगा? थोड़ा सा सुन लेगा, सिंपैथी दे देगा, फिर क्या होगा? आपका दुख कम हो जाएगा? रोना रोने की आदत छोड़ दो। आज के समय में कोई किसी का दुख नहीं कम कर सकता। आपसे रो रो कर पूछ लेगा, दुनिया में हंस हंस के बता देगा। अपने दुख को अंदर रखो और पॉजिटिव रहो। दुख को दुख जैसा मत लो कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। हमेशा ऐसे रहो जैसे कि आपसे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं। देखना, दुख भी एक दिन परेशान होकर भाग जाएगा। कुछ लोग हैं अभी ऐसा ही फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि सब कुछ खो गया उनकी ज़िंदगी से, वो तो लूट गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। ऐसे ही फील कर रहे हो ना आप लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं। उनके पर्सन से अभी अभी हाल फिलहाल फाइट हुई है एक दो दिन के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन टेंशन मत लो, आप उसे कभी नहीं खो सकते, वो कहीं नहीं जाने वाला, फिर से वो लौट कर आएगा। क्योंकि ये जो भी रीडिंग है ना, इसमें हमें नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, इतने पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। हम क्यों नेगेटिविटी परोसें आपके सामने, क्यों परोसें? जो सच है वही बता रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। और पता है, एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिव होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और चीज़ों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो ज़्यादा सीरियस। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती है, बदल जाती है, कुछ भी हो बदल जाती है। और एंजल्स ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यू रखें, उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें जल्दी सक्सेस मिलेगी, उनकी लाइफ में जल्दी बैलेंस आएगा, उनकी लाइफ में जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। आप अपने करियर में जो भी पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके करियर में भी और आपकी लव लाइफ में भी, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। अगर हम साइन की बात कर लें तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, एरिस लियो सजिटेरियस थोड़ा कम है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी थोड़ा सा कम है। आप में से बहुत सारे लोगों की तो अक्टूबर तक शादी भी हो जाएगी, ये समझ लो। बस सब्र करो, सब्र करो, जल्दबाजी मत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहीं नहीं गया है, वो बहुत जल्द लौट कर आएगा। क्योंकि पहले वो नेगेटिव एनर्जी में होता था, पहले वो इमेच्योर होता था, अब उसकी हीलिंग हो रही है, आप हील कर रहे हो, आपकी पॉजिटिविटी उसे हील कर रही है। तो डियर फेमिनाइंस, जितने लोग भी मेडिटेट कर रहे हैं, उनके लिए एंजल्स की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पर्सन जल्दी आपके पास आएगा, मतलब कि आपका मस्कुलाइन जल्दी आएगा और जल्दी कमिटमेंट देगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।